आईटीआई स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरेश है और हम लोग इस वीडियो में वेल्डिंग प्रक्रिया में आने वाले डिफेक्ट्स और उनके निदान के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। वेल्डिंग के दोष। वेल्डिंग की किसी भी अवस्था में आ सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप वेल्डिंग कर रहे हैं उस समय भी वेल्डिंग में दोष आ सकता है, या वेल्डिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब हम वेल्ड को ठंडा होने के लिए रख देते हैं तब भी उसमें कुछ दोष आ सकते हैं। वेल्डिंग दोष वेल्डिंग की लाइफ स्ट्रेंथ आदि को प्रभावित करते हैं, यानी कि वेल्डिंग प्रक्रिया में जो भी दोष आ जाते हैं उनकी वजह से उनकी लाइफ जो है कम हो जाती है और उसकी मजबूती भी कम हो जाती है। वेल्डिंग के दोष मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा एक्सटर्नल डिफेक्ट यानी कि बाहरी दोष, ये दोष हमारा वेल्डिंग की सतह पर मौजूद रहते हैं। दूसरे प्रकार का दोष है आंतरिक दोष, इनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। यह दोष देखने के लिए हमें उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करना पड़ता है। ये हमारा जैसे एक चित्र में देख सकते हैं, ये हमारा आंतरिक स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसको जो है हम अध्ययन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि इसमें आंतरिक क्या क्या दोष आते हैं। वेल्डिंग डिफेक्ट्स के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल डिफेक्ट्स जो होते हैं यानी कि जो बाहरी दोष होते हैं उनके बारे में जानेंगे। पहला दोष है वेल्ड क्रैक, यानी कि वेल्डिंग में जब हमने वेल्डिंग कर लिया उसके बाद हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे तो हम पाएंगे कि वेल्डिंग हमारी क्रैक हो गई है, तो उसका क्या कारण हो सकता है। वेल्डिंग क्रैक हमारा बाहरी भी हो सकता है और आंतरिक भी हो सकता है, यानी कि हमारी सतह पे भी क्रैक दिख सकता है और कई बार हमें उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है अध्ययन करने पे भी उसमें क्रैक दिख सकते हैं। क्रैक भी दो तरह से होते हैं, एक होता है हॉट क्रैक, ये हमारा वेल्डिंग के दौरान आता है। दूसरा होता है कोल्ड क्रैक, ये हमारा वेल्ड के ठंडा होने के दौरान आता है। वेल्ड क्रैक जो दोष होता है ये आने का क्या कारण हो सकता है। वेल्ड के ठंडा होने के दौरान उसमें जो रेजिडुअल स्ट्रेस यानी कि अपशिष्ट तनाव होता है उसकी वजह से आ सकता है। बाहरी धातुओं की उपस्थिति से आ सकता है। फेरस मेटल एलॉय की वेल्डिंग में हाइड्रोजन के प्रयोग से भी ये आ सकता है। कमजोर वेल्ड डिजाइन से भी आ सकता है। वेल्डिंग से पहले इसको हीट नहीं किया गया हो तब भी ये दोष आने की संभावना रहती है। वेल्ड क्रैक के निदान, यानी कि वेल्डिंग प्रक्रिया में क्रैक ना आए उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। पहला है सही वेल्डिंग स्पीड व वेल्डिंग करंट का चुनाव करना चाहिए। धातु को बाहरी तत्वों से दूर रखना चाहिए। वेल्डिंग के लिए सही उपकरणों व विधि का चुनाव करना चाहिए। वेल्डिंग से पहले आवश्यकता के अनुसार धातु को गर्म करना चाहिए, यानी कि इसको प्री हीटिंग भी बोलते हैं। वेल्ड को तुरंत ठंडा ना होने दें, इसको जो है सही तरीके से ठंडा करें, क्योंकि तुरंत ठंडा होगा उसकी वजह से उसमें क्रैक आने की संभावना बन जाती है। धातु सतह से अशुद्धता को हटाना चाहिए। वेल्डिंग का अगला डिफेक्ट है स्पैटर। स्पैटर होता यह है कि धातु के छोटे छोटे टुकड़े जहां पे हम लोग वेल्डिंग करते हैं वहां पे चिपक जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। ये हमारा स्पैटर दोष है। इसका क्या कारण होता है? वोल्टेज सेटिंग लो, धारा अधिक होना, लॉन्ग आर्क, ध्रुवता सही न होना, या इलेक्ट्रोड का एंगल सही न होना। इलेक्ट्रोड का एंगल 30 से 45 डिग्री तक रखा जाता है। सही शील्डिंग गैस का प्रयोग ना करना या इसकी वायर फीडिंग सही ना होना। अगर ये सारी चीजें हम लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं तो हमारा स्पैटर का दोष उसमें आएगा। स्पैटर दोष को सही कैसे करते हैं? हमें सही आर्क लेंथ का प्रयोग करना चाहिए। वेल्डिंग के अनुसार सही ध्रुवता का चुनाव करना चाहिए। इलेक्ट्रोड कोण सही रखना चाहिए व सही शील्डिंग गैस का प्रयोग करना चाहिए। वेल्डिंग से पहले हमें सतह को साफ कर लेना चाहिए। वेल्ड करंट को सही रखना चाहिए और वेल्डिंग से पहले उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं ताकि जो है उसमें स्पैटर ना आए। अगला वेल्डिंग डिफेक्ट है सरंध्रता यानी कि पोरोसिटी। पोरोसिटी जो है वेल्ड में हवा या गैस के बुलबुलों के रूप में फंस जाने को कहते हैं। वेल्ड धातु के अंदर यह जो है मौजूद रहता है, उसके अंदर जो है ये बुलबुले के रूप में रहता है जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसका क्या कारण होता है? इलेक्ट्रोड की सही कोटिंग ना होना, सही शील्डिंग गैस का प्रयोग ना करना, वेल्ड सतह पर ऑयल या जंग की उपस्थिति होना, गैस फ्लो ज़्यादा होना, वेल्ड जोन में ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता का होना, या सतह का सही उपचार ना होना। सरंध्रता का निदान यानी कि पोरोसिटी हम कैसे सही करते हैं? मटेरियल व वेल्ड सतह की वेल्डिंग से पहले सफाई करके,
वेल्डिंग को स्लो स्पीड में करना जिससे गैसों को निकलने में टाइम मिल सके, गैस फ्लो सही रखना, इन सब चीज़ों को फॉलो करके हम पोरोसिटी वाले डिफेक्ट को कम कर सकते हैं। वेल्डिंग डिफेक्ट्स में अगला डिफेक्ट है ओवरलैप। ओवरलैप में वेल्ड पूल का वेल्ड सतह पे ओवरफ्लो हो जाता है। इसका क्या कारण होता है? एक बार में ज़्यादा धातु का गलना, इलेक्ट्रोड सही कोण पे प्रयोग ना करना, ज़्यादा करंट का होना या लॉन्ग आर्क का प्रयोग। इसका उपचार क्या है? हमें सही वेल्डिंग तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, इलेक्ट्रोड एंगल को सही रखना चाहिए, वेल्डिंग करंट लो होना चाहिए, वह मेटल डिपोजिट जो है यानी कि एक बार में जितना मेटल गल रहा है उसको जो है सही रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही बार में ढेर सारा धातु गल गया इस वजह से वो ओवरफ्लो हो जाता है और जिसके कारण ओवरलैप का दोष जो है उसके अंदर आता है। वेल्डिंग का अगला डिफेक्ट होता है अंडरकट। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों साइड जो है धातु जो है कम है, वो बह गई है। इस तरह का जो दोष आता है उसे हम अंडरकट कहते हैं। इसमें बेस मेटल जो है वेल्ड एरिया से बह जाती है। इसका क्या कारण होता है? वेल्ड स्पीड का ज़्यादा होना या आर्क वोल्टेज का ज़्यादा होना, ज़्यादा लंबाई के इलेक्ट्रोड का प्रयोग या गलत फिलर धातु का प्रयोग, इसकी वजह से इसमें अंडरकट का दोष आता है। इसको सही कैसे करेंगे? वेल्ड स्पीड को सही रख के, सही इलेक्ट्रोड के चयन से, इलेक्ट्रोड एंगल जो कि 30 से 45 डिग्री होता है उसके बीच में रखना है और आर्क लेंथ व वोल्टेज को कम करके अंडरकट के दोष को सही किया जा सकता है। अगला दोष है हमारा जो कि आंतरिक दोष है, इनकम्प्लीट फ्यूजन, यानी कि जो धातु गल रही है वो सही से नहीं गल पाती, इसी को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट, यानी कि जो कम्प्लीट नहीं है। वेल्ड मेटल व बेस मेटल सही से ना गलना, ये जो है हमारा इनकम्प्लीट फ्यूजन होता है। इसमें जोड़े जाने वाले पार्टों के बीच में गैप आ जाता है। इसका कारण होता है हीट इनपुट सही ना होना, सही ब्यास के इलेक्ट्रोड का प्रयोग ना करना, बहुत तेजी से वेल्डिंग करना या बड़ा सा वेल्ड पूल बनाना। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो धातु जहां पे गलती है, जिस एरिया में इकट्ठा होती है, उसको हम वेल्ड पूल कहते हैं। निदान इसका क्या है? ट्रैवल स्पीड सही रखना, डिपॉजिट रेट कम करना और पिघला हुआ धातु जो है बहने ना देना। अगर ये सारी चीजें हम फॉलो करेंगे तो हमारा इनकम्प्लीट फ्यूजन नहीं होगा। अगला वेल्डिंग दोष है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, यानी कि जो हम धातु की बीड बना रहे हैं उसका जो पेनिट्रेशन है वो अपूर्ण होना, पूर्ण ना होना। उसका कारण होता है ज्वाइंट सही से एक सीध में ना होना, वेल्ड बीड तेजी से बनाना या बहुत कम एम्पियर का प्रयोग करना, वेल्डिंग पार्ट्स में ज़्यादा गैप होना, उसकी वजह से इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन का दोष आता है। इसका निदान है वेल्ड पार्ट को एक सीध में रखना, सही वेल्डिंग एम्पियर रखना व ट्रैवल स्पीड को कम करना। वेल्डिंग का अगला दोष है स्लैग इंक्लूजन, यानी कि स्लैग का मिलना। कंपोनेंट जैसे ऑक्साइड आदि का वेल्ड में या सतह पर मिलने कारण जो दोष आता है उसे हम स्लैग इंक्लूजन कहते हैं। इसका कारण होता है वेल्ड सतह सही से साफ ना होना, करंट सही ना होना, वेल्ड पूल को तेजी से ठंडा करना या सही कोण पे वेल्ड ना करना। इसका निदान जो है उचित करंट का प्रयोग, वेल्ड धातु की सतह को साफ करना, सही से वेल्ड को ठंडा करना। अगर ये चीजें हम फॉलो करेंगे तो उसमें स्लैग इंक्लूजन का दोष नहीं आएगा। ITI स्टडी सेंटर की वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग फास्टनिंग चैप्टर के अंतर्गत यानी कि बंधक वाला जो चैप्टर है उसके अंतर्गत की और उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।